हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नरेश एजुकेशन। आज मैं आपके साथ फिगर ऑफ स्पीच को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन। तो किसी भी चीज में ह्यूमन क्वालिटी को ऐड करना जो ऑलरेडी एक नॉन ह्यूमन चीज है। जैसे टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन, तो टाइम कोई असली में उड़ता तो है नहीं, टाइम इज अ नॉन ह्यूमन एंटिटी, लेकिन उसे हम ऐसा बोल रहे हैं जैसे फ्लाइज। एक और एग्जाम्पल मैं आपके साथ बताऊंगी, जैसे समुद्र, समुद्र का रौद्र रूप, तो समुद्र तो नॉन ह्यूमन एंटिटी है, तो उसका रूप जो है वो गुस्से वाला कैसे हो सकता है। गुस्सा इज अ क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो ये उसके साथ जब हम कंपेयर करते हैं नॉन ह्यूमन चीजों के साथ तो उसे बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। जैसे और एग्जाम्पल्स, दैट हॉट फज संडे इज रियली कॉलिंग माई नेम, तो रियलिटी में ये हॉट फज संडे जो है ये कोई नेम पुकारेगा तो नहीं, कॉल नहीं करेगा, बट स्टिल हमने इसको अज्यूम किया है। द सन किस्ड मी व्हाइल आई वाज क्लिकिंग अ पिक्चर, तो सन रियलिटी में किस तो करेगा नहीं, अगर सन किस करेगा तो शायद हम जल जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पर सन किस्ड मी जो है वो एक पर्सोनिफिकेशन है। आई फेल्ट लाइक द फूड केप्ट कॉलिंग मी, तो फूड कैनॉट कॉल, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम उसे पर्सोनिफाई कर रहे हैं फूड के लिए हम बोल रहे हैं कि फूड आवाज दे रहा है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज हाइपरबोले। हाइपरबोले मतलब होता है, देखो हाइपर का मतलब ही होता है ज्यादा, कोई चीज को बड़ा चढ़ाकर बोलना, उसके ऊपर और एम्फेसिस करने के लिए उसे हम बोलते हैं हाइपरबोले। इसका एग्जांपल जैसे हम देखें, आई कैन ईट अ हॉर्स, तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं वो खा लूं, मतलब मैं इतना ज्यादा भूखा हूं कि मैं वो हॉर्स भी खा लूं, तो ये भूखे को और ज्यादा मतलब अनकंट्रोलेबल जो है वो बताने के लिए हम करते हैं हाइपरबोले। नेक्स्ट, यू आर ब्यूटिफुल देन रेनबो कलर, तो यहाँ पर यू आर ब्यूटिफुल देन रेनबो कलर हम कैसे बोल रहे हैं कि आप इतनी सुंदर हो जैसे रेनबो के डिफरेंट कलर्स, तो इसको हमने बड़ा चढ़ाकर वो बात बोली है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज एलिट्रेशन, तो एलिट्रेशन क्या होती है, जैसे यहाँ डबल एन लगा है आपको ये याद रखना है एलिट्रेशन में रिपीटेशन है। टर्म गिवन टू रिपीटेशन ऑफ द सेम साउंड और लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स इन अ फ्रेज, इसे हिंदी में अनुप्रास भी कहा जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल दिया है, पीटर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, इसके अंदर पी 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 जो लेटर है आपको सब वर्ड्स में दिखाई दे जाएगा, तो रिपीटेशन ऑफ साउंड विद इन अ फ्रेज और सेंटेंस इज कॉल्ड एज एलिट्रेशन। कुछ और एग्जाम्पल हम देखें, जो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है जो हमें हमारे टीचर्स ने पढ़ाया था वो है She sells seashells on the seashore. ये टंग ट्विस्टर भी है, ये प्रैक्टिस किया जाता है कई बार, तो यहाँ पर एस वर्ड जो है वो बार बार रिपीट हुआ है। She sells seashells on the seashore. आप भी इसको ट्राई करो, ये टंग ट्विस्टर है। This will make you interested in pronouncing it. Okay? So I think इससे आपके तीन और फिगर ऑफ स्पीच क्लियर हो गए हैं। Later on I'll come with another figure of speech. Bye bye.